गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है 7:30 बजे यानी इवनिंग के जो आपका 7:30 बजे से आपका ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास जो करते हैं, तो आज उसका यहाँ पे टाइमिंग हो चुका है और क्लास जो आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आप लोग जो जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे लाइव जुड़ सके और यहाँ पे लाइव क्लास जो है उनका बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो जो न्यू स्टूडेंट है, जिनको नहीं पता, आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो यहाँ पे शुरू हो गया है। तो इसका पहले जो मैंने वीडियो एक अपलोड किया, जिसमें कि मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप लोग जो अपना टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो कल फिर मैं आप लोगों के लिए एक अदर टेस्ट लाऊंगा, जिसमें कि मैं आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल प्लस आपका WCS दोनों का टेस्ट लूँगा। टोटल मिला के आपका 40 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो कल जो क्वेश्चन होंगे उसमें 40 क्वेश्चन होंगे और मैं उसका जो भी टाइमिंग रहेगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता दूंगा और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे भी। तो आज का टेस्ट कौन कौन सा स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि आज का टेस्ट लगा दिया है, जरा कमेंट करके बताइए जल्दी से। कौन कौन स्टूडेंट है जिसने कि टेस्ट जो वर्कशॉप क्वेश्चन एंड साइंस का टेस्ट हमने आपके लिए अरेंज किया था, किसने किसने दिया और कितना कितना नंबर उनको आया, जरा कमेंट करके बताइए। तो इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो देख लीजिएगा, यदि आपको नहीं पता है कैसे टेस्ट देना है, लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा टेस्ट देने का, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अपलोड किया है, उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं है क्या जिन्होंने टेस्ट दिया है? तो टेस्ट जो यदि आपने नहीं दिया अभी तक, तो कोई बात नहीं, आप लोग टेस्ट दे लीजिएगा। तो नीचे जो आपको लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो में नहीं है लिंक दिया हुआ, दूसरे वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो उसमें। ठीक है, नीरज कुमार बोल रहे हैं उनको 19 नंबर आया, राज किशोर कुमार को 20 नंबर आया। ठीक है, विनोद रॉय को 12 नंबर आया। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पहला टेस्ट है, जिनको कम भी आया 12 नंबर भी आया तो आप पास हैं। पास करने के लिए आपको 7 नंबर चाहिए। ठीक है, यदि आपका 7 नंबर आ रहा है तो आप पास हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि WCS एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 जो क्वेश्चन है सही कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें मैथ रहता है, फिजिक्स रहता है, तो इसमें आप लोग जो नंबर जल्दी ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि ये ईजी सब्जेक्ट होता है आपका। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे और कल जो क्लास आपका जो टेस्ट होगा उसका जो भी टाइमिंग रहेगा वो मैं यूट्यूब चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। तो सब कोई जरूर टेस्ट लगाइए। कल का टेस्ट में 40 क्वेश्चन होगा आपका, WCS को रहेगा और साथ ही साथ आपका जो ES है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल उसका भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो सब कोई टेस्ट जरूर लगाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट का जो लिंक है वो सबको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा ले सके। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन आपका किसका है, तो ये हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी क्लास चल रहा है आपका, और इसमें जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहते हैं, IT लिटरेसी का देख सकते हैं आप लोग, उसका हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन रहते हैं आपको। तो बताइए जल्दी क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 byte जो आपका जो 1 bit होता है ये कितने, आपको 1 byte जो होता है कितने बिट्स के बराबर होते हैं। ठीक है, बताइए सी नंबर। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे सी नंबर आंसर कर रहा है, 8 यानी सी नंबर आंसर ज़्यादातर स्टूडेंट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आंसर इसका है सी नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आंसर दिया हुआ है आपका, तो क्या होगा 8, जिन्होंने भी आंसर किया बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, जो भी लोग यहाँ पे लाइव जुड़े हैं सभी जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 2। देख सकते हैं आप लोग, एक कंप्यूटर यहाँ पे जो बताना आपको, कंप्यूटर जो होता है आप लोग जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर, उसमें क्या क्या रहता है आपका, सॉफ्टवेयर होगा, प्रोग्राम होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होगा, आपका माउस और कीबोर्ड होगा, या फिर आपका सर्किट डायग्राम होगा, क्या होगा? तो ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है बीच में तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे जो भी सिस्टम है हमारा उसको हम सही कर सकें। ठीक है, इसलिए ज़रूर आप लोग को जो है कमेंट करना है, यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है वीडियो और ऑडियो क्वालिटी में। तो
तो बताइए जल्दी से क्या होगा। एक कंप्यूटर ऐप जो होता है उसमें क्या रहता है आपका, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रहता है ना, तो इसमें किसी का भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपका, तो बी नंबर जो होगा राइट आंसर इसका होगा। आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री, फटाफट से आंसर कीजिए, आंसर करने में देरी नहीं होना चाहिए। ये सारा क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है आपके लिए। ए प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड, बताइए क्या होगा। एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है ना, मतलब एक से दूसरे में जो फैल जाता है आपका, तो क्या चीज़ होता है वो। बहुत ही सिंपल है, पहला ऑप्शन क्या है, वायरस है, दूसरा एंटीवायरस है, तीसरा आपका क्या है, वेब पेज है, और चौथा जो आपका नोट पैड है, क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका सी, आपका एक नंबर जो होगा, ए नंबर होगा राइट आंसर, ठीक है। वायरस जो होता है आपका, वायरस करता है दूसरे को भी फैल जाता है ना, दूसरे में भी फैला देता है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, क्या इसका राइट आंसर। ये सॉफ्टवेयर एसन यूजर टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड, क्या होगा। एक आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पूछ रहा है जो कि आपका क्या करता है, आपको एबल करता है यहाँ पे यूजर्स को लोकेट करने के लिए और एक्सेस करने के लिए वेब पेज को, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विपिन कुमार बोल रहे हैं ए नंबर, विपिन, सचिन, राज किशोर, सिका, संदीप, सभी का ए आर आर, वीरेंद्र कुमार बिल्कुल सही है, संगीता, तो जिनका भी यहाँ पे ए नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। वेब ब्राउजर बोलते हैं उसको, यहाँ पे आपका आंसर भी मैं दिखा देता हूँ, एक यहाँ पे देखिए वेब ब्राउजर जो इसका क्या होगा, राइट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इन सारे क्वेश्चंस में आपको जो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव बताइए क्या होगा इसका। एन लीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है, रोज कराया, कल भी कराया था, उसके पहले भी क्लास में मैंने करा रखा है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, इन सारे क्वेश्चन में किन्हीं को यहाँ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर जो यहाँ पे आपका जो इलीगल एक्टिविटी होता है उसको किसके अंतर्गत। सर वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है, अच्छा एक मिनट में मैं यहाँ पे चेक कर। अभी देखिए वीडियो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, साइबर क्राइम है ना। इंटरनेट के ऊपर जो भी यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है आपका, साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बी आपका जो होगा इसका राइट आंसर होगा, आंसर भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, साइबर क्राइम इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने पहले भी आपको करा रखा है। चलिए नेक्स्ट दूसरे पेज पे चलते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज ए रीजनल और नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड, बताइए। तो कंप्यूटर नेटवर्क बताना जो कि आपका नेशनल हो गया, रीजनल हो गया, या फिर ग्लोबल एरिया, सभी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, क्या होगा। LAN होगा, MAN होगा, WAN होगा, या फिर CAN होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि आप फिर से इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैं नीचे दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आप वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं यदि किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है तो। तो जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो लोग, यदि आपने टेस्ट अभी तक नहीं लगाया, जो टेस्ट वीडियो है मैंने अपलोड कर दिया है, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है जहाँ पे जाके आप लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे ही टेस्ट आप लोग सबमिट कीजिएगा वैसे ही आपको जो है उसका रिजल्ट जो है वो दिखा देगा, ठीक है। नीचे आपको रिजल्ट स्कोर दिखा देगा, और साथ ही साथ आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया, गलत किया, सब कुछ वहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पम ए रीजनल लोकल और ग्लोबल हो गया, तो यहाँ पे WAN होगा, है ना।
तो सी नंबर जो होगा राइट आंसर होगा इसका। देख सकते हैं यहाँ पे इसको टिक करते ही ये ग्रीन हो जाएगा, और यदि हम दूसरे किसी को टिक करेंगे तो क्या होगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका WAN। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7, आंसर कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, CPU कंसिस्ट ऑफ, CPU जो होता है वो क्या चीज़ यहाँ पे कंसिस्ट करता है, बताइए जल्दी से। CPU तो जो लोग यहाँ पे रेगुलर क्लास देखते हैं उनको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना, क्योंकि ये सारा क्वेश्चंस जो मैंने आपको पहले से करा रखा है। अभी आप टेस्ट लगाइए और बाद में आप बताइएगा टोटल आपने कितना क्वेश्चन सही किया। तो CPU जो होगा उसमें क्या होता है आपका, कंट्रोल यूनिट प्लस ALU आपका होगा, है ना, यानी आपका ए नंबर जो होगा राइट आंसर होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, यानी ये सही आंसर है। यदि मैं दूसरे को करता तो ये सारा क्या हो रहा है, रेड हो जा रहा है ना, तो ए नंबर जो राइट आंसर है। या फिर नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रिजल्ट आपको शो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा आपका CPU का, या फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल है आपका, प्रोग्रामिंग यूनिट है, कंट्रोल यूनिट, ये सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, बताइए जल्दी से क्या होगा। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका जो यहाँ पे टेस्ट है वो आप लगा सकते हैं। टेस्ट का जो लिंक है वो मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने बताया कैसे टेस्ट देना है आपको और कहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, तो उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ पर जाके आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। जल्दी बताइए, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज, बताइए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन सा नेटवर्क टाइप जो होता है वो यूज होता है। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस नेटवर्क टाइप शुड बी यूज, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस बार पूछा गया, इसके पहले जो क्वेश्चन थे उसमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पूछा गया था, इस बार शॉर्ट के लिए पूछा गया है। बिल्कुल, देखिए सभी का यहाँ पे आ रहा है, राजकिशोर कुमार बिल्कुल सही है, प्रीतम का भी सही है, नीरज कुमार का सही है, सचिन मिश्रा का सही है, मोनू यादव, मोनू कुमार, संदीप मोदी, सभी का सही आ रहा है। ठीक है, नीरज कुमार प्लीज़ रिफ्रेश, जिनका भी वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रहा है ना तो वो लोग अपना जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ कर लीजिए। आप अपना यूट्यूब का सेटिंग में जाइए, वहाँ पे आपको क्वालिटी का इम्प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, 240 पे चल रहा होगा या फिर 144 पे चल रहा होगा तो आप उसको 360 में सेव कर दीजिएगा, तो आपका जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, वो आपके छोर से हो रहा है प्रॉब्लम, यहाँ से सब कुछ ओके है, क्योंकि यदि यहाँ से प्रॉब्लम रहता तो सभी स्टूडेंट की तरफ से कॉमेंट आता ना। चंदन कुमार यादव बोल रहे हैं सर वीडियो नहीं आ रहा है, क्या वीडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या, एक बार सभी कमेंट करके बताएंगे वीडियो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वीडियो क्वालिटी सही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, तो आपके छोर से हो सकता है प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आप अपना जो इंटरनेट स्पीड है उसको चेक कीजिए, और YouTube का जो सेटिंग होता है वहाँ पे जाके क्वालिटी का जो सेटिंग रहता है उसको 360 पे फिक्स कर दीजिए तो ठीक आपका चलने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या हो गया, LAN हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका। आपका ईमेल वेयर विल यू द एड, यहाँ पे आप लोग रिसिपेंट को कहाँ पे ऐड कीजिएगा, जिसको आप लोग सेंड करना रहेगा आपको कॉपी ऑफ ए ईमेल, है ना। मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, तो जिनको इंग्लिश समझ आती है वो पढ़ सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं उसको भी यहाँ पे ध्यान देना, मैं हिंदी में भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए ईमेल, ईमेल में बोल रहा है कि आप लोग यदि किसी भी चीज़ को, कोई भी फाइल रहता है उसको आप कॉपी करना चाहते हैं, उसको दूसरे को भी भेजना चाहते हैं, दो तीन आदमी को आपको एक ही चीज़ भेजना है, तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, टू को करेंगे या आपको CC करेंगे या फिर आप BCC करेंगे या फिर सब्जेक्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्या होगा। तो यहाँ पे कॉपी बोल रहा है ना, तो इसमें कौन सा होगा, बी नंबर बिल्कुल सही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बी को क्लिक किया और ये ग्रीन हो गया है ना, तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका आंसर यहाँ पे भी दिया गया है, देख सकते हैं राइट आंसर क्या होगा इसका, तो CC होगा। ठीक है, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं यहाँ पे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो वो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, तो इसमें देखिए इन एक्सेल
यहाँ पे बताना आपको एक्सेल में द इंटरसेप्ट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। बताइए एक्सेल में आपका जो रो और कॉलम जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इस तरह से जो काटता है, इस तरह से आप लोग देखते होंगे जो बनता है एक्सेल में, वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है, लेवल कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है, या फिर आपका वर्कशीट कहलाता है, क्या होगा? तो हिंदी इंग्लिश किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए आप लोग ये नहीं सोचें कि इंग्लिश में क्वेश्चन है तो हमको समझ नहीं आएगा, छोड़ देते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप बने रहिए वीडियो में, मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, इंग्लिश में भी समझाऊंगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका, तो आपका जो होगा एक्सेल में जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ठीक है? एक्सेल में जो होता है वो क्या होगा, सेल हो जाएगा, ठीक है ना? देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैं इसको टच करूंगा, ये ग्रीन हो गया, यानी आंसर मेरा सही है, ठीक है? और नीचे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आंसर देख सकते हैं आप लोग, आंसर क्या है, तो आपका सेल हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बताइए इन एमएस एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। बताइए एमएस एक्सेल में आपका जो कलेक्शन होता है वर्कशीट का, उसको क्या बोला जाता है? वर्कशीट बोलते हैं, या फिर आपका वर्कबुक बोलते हैं, या फिर आपका एक्सेल बुक बोलते हैं, या फिर शीट वर्क बोलते हैं, क्या होगा? एम एस एक्सेल में कलेक्शन ऑफ वर्कबुक वर्कशीट इज नोन एज व्हाट? तो जल्दी से आंसर कीजिए, ठीक है? फटाफट से आंसर करेंगे सभी, और जो न्यू स्टूडेंट है वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग का जो यहाँ पे एवरी डेज हो एक टेस्ट होगा, ठीक है? एक टेस्ट हम रोज होगा आपका, और टेस्ट का जो लिंक होगा वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, या फिर किसी वीडियो के माध्यम से उसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके आपके साथ शेयर कर दूंगा, है ना? तो देखिए अभी फिलहाल यहाँ पे यूट्यूब के तरफ से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि नोटिफिकेशन जो सारे वीडियो का नहीं आ रहा है, ठीक है? तो यूट्यूब के तरफ से एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि नोटिफिकेशन सारे स्टूडेंट को नहीं जा रहा है। हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट को इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था टेस्ट वाला, उसका नोटिफिकेशन नहीं गया होगा। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग एक बार चैनल पे जो है विजिट कर लिया कीजिए, चैनल पे आके एक बार देख लिया कीजिए कौन सा वीडियो अपलोड हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है? क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत ही कम स्टूडेंट को जा रहा है, ना के बराबर सेंड हो रहा है। तो मैंने इसके रिलेटेड एक कंप्लेंट भी किया हुआ है, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा आपका वर्कबुक होगा ना, बिल्कुल सही, यानी बी नंबर होगा, बिल्कुल सही। और सभी स्टूडेंट ने यहाँ पे आंसर भी सही किया है, यानी सभी का प्रिपरेशन जो तैयारी जो वो सही है। एक यहाँ पे एमडी जी जो हैं उन्होंने गलत आंसर किया, बाकी सभी ने सही किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, इन एमएस एक्सेल द, यहाँ पे आपको बताना इंसर्ट ए फॉर्मूला। एमएस एक्सेल में यदि आपको फॉर्मूला इंसर्ट करना है, ठीक है, उसमें डालना है, तो उसके लिए आप कौन सा यहाँ पे इंट्री के साथ शुरू करेंगे, ठीक है? कौन सा इंट्री के साथ आप शुरू करेंगे यदि आपको एमएस एक्सेल में फॉर्मूला इंसर्ट करना है? बराबर के साथ करेंगे, या फिर ये सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, है ना? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर है आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13। तो सभी का यहाँ पे सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बराबर, यानी आपका जो ए नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है, और यहाँ पे सारे स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं। तो इस देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है कि जितने भी स्टूडेंट ने आंसर किया सबका सही है, यानी आप तैयारी जो अच्छे से कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। इन एम एस पेंट में बोल रहा है विच एक्सटेंशन इज़ नॉट सपोर्टेड। एम एस पेंट जो होता है आप लोग यूज़ करते होंगे पेंट, उसमें कौन सा जो होता है इसमें से चार ऑप्शन में से सपोर्ट नहीं करता है, कौन सा एक्सटेंशन जो है वो सपोर्ट नहीं करता, बताइए एम एस पेंट में आपका, ठीक है? तो 14 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बी नंबर होगा, बिल्कुल सही, सभी का आ रहा है। सर व्हाट्सएप ग्रुप में हम नहीं जुड़े हैं। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है? टेलीग्राम में थोड़ा ऊपर जाइएगा, एक दो दिन पहले का मैसेज में देखिएगा, उसमें लिंक दिया हुआ है। बताइए इसका क्या होगा? इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। बताइए कौन से ओरिएंटेशन में आपका टेक्स्ट जो है वो लेंथ वाइज प्रिंट होता है। अभी जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, देखिएगा इसमें आपका जो जितने भी क्वेश्चंस है इसी से रहेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये हम गारंटी लेते हैं, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा लेंथ वाइज यदि आपको प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, पोर्ट्रेट मोड पे जाएंगे, ठीक है? यानी इसका सी नंबर होगा राइट आंसर। देख सकते हैं यहाँ पे इसको टच करता हूँ, ये ग्रीन हो गया है ना, तो सी नंबर बिल्कुल सही, सभी का यहाँ पे आ रहा है सी नंबर, बिल्कुल सही। टेलीग्राम, अरे
रंजय कुमार बोल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक क्या है सर? तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो देखिए इसी वीडियो के नीचे में आपको दिख रहा होगा, इस अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ना इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक दिख रहा होगा, ठीक है? वहाँ पर जाइए और उस पर क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। चलिए बताइए जल्दी से इसका क्या होगा। विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज, अब पूछा गया क्या आपसे? विड्थ वाइज पूछा गया है, इसके पहले क्या था? लेंथ वाइज पूछा गया था, है ना? तो आंसर कीजिए जल्दी से, इसका क्या होगा? डी नंबर, बिल्कुल सही, सभी का आ रहा है, टेस्ट में आया था, बिल्कुल टेस्ट में बिल्कुल आएगा, ऑनलाइन एग्जाम में भी यही आता है, ठीक है? वही क्वेश्चन यहाँ पे सेट कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फालतू क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लाया है मैंने, ठीक है? तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आता है, वही क्वेश्चन सिर्फ आपको यहाँ पे करा रहे हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यदि आप इसको एक बार अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल, इसका प्रैक्टिकल भी आप अपने कंप्यूटर पर कर सकते हैं। जब आप प्रिंट कीजिएगा तो वहाँ पर आप इसको करके देखिएगा, आपको यदि लेंथ वाइज प्रिंट करना होगा तो आप किसको करेंगे? पोर्ट्रेट ऑप्शन वहाँ पर मिलता है, उसके थ्रू करेंगे, है ना? फ्रेश नहीं दिख रहा है, ऐसा स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, ठीक है? तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो, हमारे तरफ से भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि शायद यहाँ पे जो लाइट है वो कट चुका है और अभी फ़िलहाल इन्वर्टर पे चल रहा है, ठीक है? और इंटरनेट जो है मे भी हो सकता है स्लो हो गया हो। टेस्ट का रिज़ल्ट कब देंगे? टेस्ट का रिज़ल्ट आपको वहीं पर मिल जाता है, ठीक है? और उसके बाद मैं ईमेल पे भी आपको सेंड कर दूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। और एक बार जिनको टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं मिला है वो स्टूडेंट एक बार फिर से टेस्ट लगा लीजिए, तो आपको जो है टेस्ट जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा ना उसके बाद आपका जो वहीं पे आपको स्कोर दिखा देगा, ठीक है? उसी जगह आपको स्कोर दिखा देगा कि आपने कितना स्कोर किया। चलिए ठीक है, अब इसका क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लैंड स्कोप, ठीक है ना? डी नंबर जो होगा सही आंसर होगा, देख सकते हैं बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बताइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा? प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर, यहाँ पे फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया जो कि ऊपर में था, ठीक है ना? तो इसका हो जाएगा आपका क्या? वायरस, है ना? तो ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग किए थे, फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया, तो बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग क्वेश्चन है इस बार, है ना? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आंसर करेंगे सभी। यहाँ पूछा गया क्योंकि स्प्रेडशीट जो होता है इसको आपको सेव करते हैं कौन से एक्सटेंशन के साथ, इसको यदि हमें सेव करना हो तो कौन सा एक्सटेंशन में लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया आपको, क्या होगा? बिल्कुल सही है, ए नंबर जो है जिन्होंने ए किया है बिल्कुल सही आंसर है ना, तो ये जो होगा आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी उसको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे समय कम है, तो आगे चलते हैं, ठीक है? अच्छा, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है? सेम जो ऊपर हम लोग किया था वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ऑप्शन को नीचे कर दिया है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द एक्सपेंशन ऑफ एल ए एन इज वट, बताइए एल ए एन का एक्सपेंशन यानी फुल फॉर्म पूछा गया आपको, एल ए एन जो है उसका फुल फॉर्म। तो जल्दी से जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आपने नहीं किया, आपका रेगुलर लाइव क्लास होता है, और जो 3 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा उसका क्वेश्चन आप लोग जरूर सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है? ताकि यहाँ पे आपको सॉल्व करा सकें और जिनका आगे पेपर होगा उनको उससे फ़ायदा मिले, है ना? इसलिए सभी क्वेश्चन जरूर सेंड करेंगे जिनका भी 3 को पेपर है, बिल्कुल सही है। लोकल एरिया नेटवर्क यानी इसका बी नंबर जो होगा सही आंसर होगा, ठीक है? तो बी नंबर जो होगा राइट आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, है ना? तो बी नंबर इसका हो गया सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21, बताइए द एक्सपेंशन ऑफ आर ए एम, बताइए आर ए एम का एक्सपेंशन क्या होगा, फुल फॉर्म, आर ए एम का फुल फॉर्म बताना है आपको।
तो जो लोग न्यू है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और रेगुलर आपका क्लास जो होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, ईएस का क्लास आपका जो होता है फर्स्ट ईयर में सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहता है, और ये जो है सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, ठीक है। तो इसका क्या होगा, रेंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है, यानी बी नंबर जो है सही आंसर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको टच करते ही ये ग्रीन हो गया, यानी बी नंबर हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद आंसर यहाँ व्यू आंसर पे क्लिक करके आप आंसर भी यहाँ नीचे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आंसर कीजिए रोम का फुल फॉर्म। तो ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, VVI क्वेश्चन है ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। अच्छा वीडियो सही नहीं आ रहा है क्या, एक बार कमेंट करके बताइए जरा वीडियो क्वालिटी सही है कि नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं वीडियो क्वालिटी सही नहीं है। तो वीडियो उनके तरफ से ख़राब है या फिर पूरा इधर से ही ख़राब है? तो सभी तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऑल इज़ वेल, TT क्लास कब से है, नीरज कुमार बोल रहे हैं सही है सर, शुभम कुमार बोल रहे हैं, आनंद कुशवाहा बोल रहे हैं राइट सर, संदीप मोदी सही है, रंजय कुमार ठीक है, गुड वीडियो प्रदीप बोल रहे हैं, चले नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बताइए WAN का फुल फॉर्म। तो WAN का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, इसका होगा आपका क्या चीज़ होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, बी यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं कुछ सी कर रहे हैं, इसका होगा सी नंबर, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क सही होगा। देख सकते हैं यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क इसका क्या है आंसर हो गया, और ऊपर भी क्लिक करने से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट डज ASAP स्टैंड इन SMS? SMS में जो होता आपका SMS में जो शॉर्ट में लिखा रहता है आपका ASAP वो क्या चीज़ को यहाँ पे दर्शाता है? कुछ लोग बोल रहे हैं ए, कुछ बोल रहे हैं सी, कुछ बोल रहे हैं बी, ब्यूटी सिंह बी, रविंद्र बेलदार सी, साउंड कम आ रहा है। तो इसका क्या होगा, व्हाट डज ASAP स्टैंड फॉर इन SMS लैंग्वेज? तो इसका होगा आज सून आज पॉसिबल, ठीक है। अच्छा ये नहीं होगा, पॉसिबल देखिएगा, स्पेलिंग देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, आज सून आज पॉसिबल, यानी सी नंबर जो है बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा स्पेलिंग का यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको लगेगा सारा ऑप्शन एक ही जैसा देखने में, लेकिन इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 25 व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड? तो यदि आप कॉपी के लिए किसी चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं तो उसका क्या होगा शॉर्टकट की, बताइए व्हाट इज शॉर्टकट की और कॉपी कमांड। तो क्या होगा आपका शॉर्टकट की कॉपी कमांड के लिए, तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना, यानी कंट्रोल प्लस सी जो होता है वो होगा राइट आंसर। तो जो भी लोग यहाँ पे लेट से जुड़े हैं मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपका जो लाइव टेस्ट है वो फिलहाल आपका चल रहा है अभी, और आप लोग यदि टेस्ट देना चाहते हैं तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो टेस्ट है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, और लिंक जो उसका वीडियो के नीचे दिया गया है, इस वीडियो में नहीं इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला है उस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेस्ट जो दे सकते हैं। टेस्ट जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा आपको वहाँ पे आपका स्कोर जो वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग अपना स्कोर देख लीजिएगा आपने 20 में से कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो इसके पहले जो वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है उसमें आपको टेस्ट कैसे देना है वो सारा चीज़ बताया गया है, और साथ ही साथ टेस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट बॉक्स में भी दे दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब कौन सा होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए आंसर कीजिए जल्दी क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा इसका राइट आंसर।
व्हाट इज़ ए शॉर्टकट की फिर कट के लिए, कट यदि आपको करना हो उसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कट करने के लिए? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एक्स, क्या होगा शॉर्टकट की आपसे पूछा गया है, ठीक है? व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर कट कमांड, कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, किन्हीं का आ रहा है ए नंबर, किन्हीं का आ रहा है डी नंबर। तो ज़्यादातर यहाँ पे आंसर जो हो रहा है डी नंबर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स जो होता है इसका यूज़ किया जाता है आपका शॉर्टकट की के लिए। तो आप लोग देखिएगा कभी यदि आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें यूज़ करके देखिएगा। यदि आप किसी चीज़ को कट करना चाहेंगे तो कंट्रोल प्लस सी सिर्फ एक्स डालिएगा और वो कट हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बताइए व्हाट इज़ अ शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल कमांड। तो सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए शॉर्टकट की आपको यहाँ पे बताने हैं क्या होगा। यदि आप सेलेक्ट सभी को सेलेक्ट करना चाहते हैं सारे फाइल्स को तो कौन सा शॉर्टकट की आप यूज़ कीजिएगा? तो जो न्यू स्टूडेंट हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेगुलर आपका क्लास चल रहा है और इस क्लास के बाद जो आपका WCS का क्लास होगा, ठीक है? तो जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होगा उसके 5-10 मिनट बाद जो आपका WCS का क्लास होगा, इसलिए आप लोग लाइव बने रहिए, और जिनको सिर्फ WCS का क्लास देखना है वो लोग 10 मिनट बाद आइएगा, ठीक है? तो इसके 5-10 मिनट बाद जो आपका WCS का क्लास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होगा, तो आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस ए यहाँ पे आंसर है आपका, कंट्रोल प्लस ए, जो कि यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट आंसर भी कर रहे हैं, है ना? कंट्रोल प्लस ए यानी सी नंबर जो होगा आपका सही होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28। शॉर्टकट की बताना आपको पेस्ट करने के लिए, यदि किसी भी फाइल को आप पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग शॉर्टकट की कौन सा यूज़ करेंगे? नीरज कुमार बोल रहे हैं वैक्सीन लेना ज़रूरी है। आज आपको पता चला क्या वैक्सीन लेना ज़रूरी है? बताइए व्हाट इज़ शॉर्टकट की फॉर पेस्ट के लिए, यदि किसी भी चीज़ को आप कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे कहीं पर तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करने से वो पेस्ट हो जाएगा? बी नंबर, कंट्रोल प्लस बी, बिल्कुल सही, क्योंकि ये सारे चीज़ तो हमने यूज़ कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। तो बचा कौन सा है जी, बी वाला बचा है ना आपका, सॉरी, हाँ बिल्कुल, तो बी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल सही होगा, कंट्रोल प्लस बी जो होता है उसको पेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 29। बताइए व्हाट इज़ द आपका सेल एड्रेस, व्हाट इज़ सेल एड्रेस ऑफ फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम। बताइए सेल आपको यहाँ पे बताना, व्हाट इज़ सेल एड्रेस, अंजलि वर्मा बोल रहे हैं कि सर ऑफलाइन एग्ज़ाम हो गया, ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगा? तो ऑनलाइन एग्ज़ाम तो अभी हो रहा है ना, 3 तारीख से स्टार्ट है ऑनलाइन एग्ज़ाम। यदि आपने फ़ी पेमेंट किया था, 376 रुपये का चलान कटाया था, तो आपका एग्ज़ाम जो है 3 तारीख से स्टार्ट है। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम 3 को ना हो, 4 को, 5 को हो सकता है। तो फेज़ 1 जो है 3 तारीख को हो रहा है, और फेज़ 1 में जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा उनका लिस्ट आ गया है, एडमिट कार्ड भी आ चुका है, ठीक है? और जिनका एडमिट कार्ड अभी नया है उनका एग्ज़ाम आगे के फेज़ में होगा, इसलिए आप लोग परेशान ना हो, अपने कॉलेज से संपर्क में रहें और कॉलेज से बात करते रहें और जानकारी लेते रहें, ठीक है? आपका कॉलेज जो आपका हेल्प करेगा, और जब यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा फेज़ 2 का तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा और आप लोगों के साथ लिस्ट को आपको साथ शेयर कर दूंगा, और उस लिस्ट में आप अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा। ऊपर सर्च का जो PDF में रहता है ऑप्शन, वहाँ पे अपना रोल नंबर फिलअप कीजिएगा तो आपको दिखा देगा कि आपका जो एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया। सर फी पेमेंट की बट एडमिट कार्ड ना आया। देखिए अंजलि वर्मा जी, आपका यदि एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है तो हो सकता है कि आपका नेक्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप घबराएं नहीं, ठीक है? चलिए तो इसका क्या हो जाएगा जी, इसका 29 नंबर का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा कौन सा, D4 है ना, तो D4 जो है इसका राइट आंसर होगा, देख लीजिए सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 30। व्हाट इज़ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज़।
तो यदि आप लोग कंप्यूटर में अपना एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसका नेम किस नेम से वो सेव होता है, यदि आप अपना उसका नेम चेंज नहीं कीजिएगा तो। आज का लाइव क्लास कब से चल रहा है, राखी यादव बोल रही हैं। तो लाइव क्लास जो आपका 7:30 PM से चल रहा है, ठीक है, और रोज़ यहाँ पे लाइव क्लास होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही हो रहा है, कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था, ये रेगुलर क्लास चलता है। और 8 बजे का क्लास तो रोज़ होता ही था, है ना, WCS का, वो तो रेगुलर है हमारा कि लेना ही लेना है उसको। तो न्यू फोल्डर होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो न्यू फोल्डर उसको बोला जाता है। तो आज जो आप लोगों को मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, कल के टेस्ट में मैं यही सारे क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ, और देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसको गलत करता है और कौन सही करता है, 100 में 100 कौन स्टूडेंट यहाँ पर नंबर लाता है, ठीक है। तो कल जो हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल प्लस आपका WCS दोनों का ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, और टेस्ट कैसे देना है आप लोगों को पता चल गया होगा, आपने टेस्ट दिया भी होगा आज जो हमने टेस्ट लिया आपका WCS का। यदि जो स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है तो वो लोग जो टेस्ट जरूर लगा लें। टेस्ट कैसे देना है तो मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, हमारे YouTube चैनल पे आना है, उसके बाद यहाँ पे आपको हमारा YouTube चैनल जो उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको देखिए वीडियो मिल जाएगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये वाला वीडियो, ITI वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ऑनलाइन टेस्ट आप सभी के लिए, है ना, WCS ऑनलाइन मॉक टेस्ट। तो इस वीडियो को जब आप लोग क्लिक कीजिएगा तो इसमें सारा कुछ बताया गया कैसे आपको टेस्ट देना है, और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है ना, वीडियो को जब आप प्ले कीजिएगा तो नीचे में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आएगा उसमें आपको लिंक दे दिए गए हैं, ठीक है, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा और आपको जो है एक नया पेज पे ले जाएगा जहाँ पे जाके आप अपना टेस्ट लगा सकते हैं। तो टेस्ट देने के लिए आपके पास ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, और बस आपको अपना नेम फिलअप करना और टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। वहीं पे टेस्ट सबमिट करने के बाद आपको जो है आपका जो जितना भी आप नंबर लाइएगा वो आपको वहाँ पे दिखा देगा, और हमारे तरफ से भी आपके ईमेल आईडी पे, रजिस्टर ईमेल आईडी पे एक मैसेज जाएगा जिसमें आपको रोल आपका सारा डिटेल्स रहेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से टेस्ट लगाना है, तो ये वाला जो वीडियो है ये आपको देख लेना, इसमें सारा कुछ क्लियर आपको बता दिया गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। तो ये हो गया न्यूली क्रिएट फोल्डर इसको बोलेंगे, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, SMS में आप लोग देखे होंगे FYI, है ना, SMS में जो आपका FYI जो होता है ये लिखा हुआ रहता है आपका SMS में, ये क्या चीज़ का फुल फॉर्म क्या होगा, SMS में जो FYI रहता है उसका फुल फॉर्म बताइए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, है ना, फॉर योर इन्फॉर्मेशन इज़ द राइट आंसर, यानी ए नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। SMS में जो होता है आपका इसका क्या होगा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, वेयर ऑल डिलीटेड फाइल्स विल बी स्टोर्ड। तो यदि आप किसी भी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो फाइल जो है आपका कहाँ पर जाके स्टोर होता है आपको बताना है, जल्दी से बताइए कहाँ पे स्टोर होता है। यदि आप कोई भी फोल्डर को या फाइल को डिलीट करते हैं, अपने मोबाइल से भी डिलीट करते हैं, तो अब तो मोबाइल में भी ये फंक्शन आने लगा, पहले सिस्टम वगैरह में होता था लेकिन अभी मोबाइल में भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारे कहाँ पे जाके होता है स्टोर, तो रिसाइक्लिंग बिन में, यानी डी नंबर जो इसका राइट आंसर होगा, रिसाइक्लिंग बिन में जाके ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33, बताइए विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू ए PC। कनेक्ट आपको टेलीफोन लाइन को जो होता है PC से, यानी आपका सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, जल्दी से बताइए कौन सा डिवाइस होगा जो यूज किया जाता है आपको PC से कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन लाइन को। इसका होगा मॉडम, है ना, बी नंबर आपका, सॉरी ए नंबर जो बिल्कुल सही आंसर होगा, मॉडम जो होता है जो कि आपका पेन ड्राइव के शेप में ही रहता है, इसमें क्या होता है सिम, है ना, और यही सिम कार्ड क्या करता है आपका कंप्यूटर को नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, है ना। पहले ज़माने में ज़्यादातर मॉडम का यूज़ होता था, अभी तो सभी जगह वाईफाई अवेलेबल हो गया जिसके वजह से अभी का बहुत ही कम यूज़ होता है और ना के बराबर लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं मॉडम। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, विच इज़ शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड। तो ये क्वेश्चन ने पहले भी कराया और अभी फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी, देखते हैं क्या कोई ऐसे भी स्टूडेंट है जिनका यहाँ पे गलत होता है।
तो जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल जो है आपका टेस्ट होगा, कितने बजे टेस्ट होगा मैं टाइम बता देता हूँ आपको, कल जो है 6 बजे शाम में आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और टेस्ट आपको जो लिंक जो होगा टेस्ट का, कहाँ से आपको टेस्ट देना है, तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, और साथ ही साथ वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे बता दूंगा, और उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा। तो कल जो टेस्ट होगा उसमें टोटल 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे टोटल आपका WCS का, 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, ठीक है। तो ये दोनों ट्रेड का आपका जो है यहाँ पे, मतलब आपका जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा 40 क्वेश्चन टोटल। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बता दीजिए सर। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, वहाँ पे क्लिक कीजिए और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो नीचे देखिएगा आपको दिया गया है, वहाँ पे जाइएगा और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और या फिर हमारे YouTube चैनल पे आइए। देखिए टेलीग्राम मैं बता ही देता हूँ आपको कहाँ से ज्वाइन करना है। देखिए जैसे YouTube चैनल के पेज पे हमारे आइएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस पे आ जाना है, यहाँ पे नीचे इस साइड में देखिए ये क्या अबाउट है ना, यहाँ पे आप आइए अबाउट के ऊपर। तो जैसे क्लिक करेंगे अबाउट के ऊपर तो नीचे देखेंगे यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर किया गया है ना, इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम खुल जाएगा, ईमेल वाले पे कीजिएगा तो ईमेल खुल जाएगा, और फेसबुक वाले पे कीजिएगा तो हमसे आप फेसबुक पे जुड़ जाइएगा, है ना। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सोनू साइनी बोल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप है, बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप है, और टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो वो दे दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और 3 को जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका आप लोग क्वेश्चन जरूर सेंड कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको याद रहेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो ये रहा, 35 नंबर, विच वन इज ए डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बताइए। मतलब आपको इसमें से क्या नहीं करना चाहिए इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, है ना, कौन सा चीज़ आपको नहीं करना चाहिए इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। यदि आप उसको करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका सिक्योरिटीज होगा वो यहाँ पे उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। यूज़ हार्ड टू गेस पासवर्ड, डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनी वन, टेक ब्रेक डाटा ऑफ योर PC, है ना। तो इसमें देखिए आपका डिस्क्लोज पासवर्ड, यदि आप किसी के साथ पासवर्ड जो है शेयर कर देंगे तो क्या होगा, उससे इन्फॉर्मेशन जो लीक हो जाएगा, यानी पासवर्ड जो है वो आपको शेयर नहीं करना है, यानी बी नंबर जो होगा सही आंसर होगा, डिस्क्लोज पासवर्ड, है ना, ये होगा राइट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके पहले जो क्वेश्चन है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, साइबर क्राइम बोल रहा है, इसमें से कौन सा है बताइए, विच वन इज ए साइबर क्राइम, सेंडिंग मेल, ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, या फिर आपका चैटिंग विद फ्रेंड्स, क्या होगा। साइबर क्राइम मैंने बताया था, इंटरनेट के ऊपर जो क्राइम किया जाता है उसको साइबर क्राइम के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। यानी आप लोग ऑनलाइन जो भी क्राइम करते हैं ना उसको साइबर क्राइम में बोलते हैं। तो क्या होगा, सेंड किसी को मेल सेंड करना क्या साइबर क्राइम है, नहीं है, ऑनलाइन परचेज करना भी नहीं है, ऑनलाइन गैम्बलिंग जो होगा ये राइट आंसर होगा, सी नंबर, ठीक है। यदि इसका मतलब आपको समझ नहीं भी आ रहा तो आप चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं, और ये 3 तो सही है, तो नीचे वाला बीच वाला जो यही थोड़ा अलग लग रहा है, तो इसको आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कीजिए, विच वन इज ए फाइल मैनेजमेंट टूल्स दैट कम विथ विंडोज, बताइए कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल्स है जो कि विंडो के साथ आता है। कंट्रोल पैनल होगा, विंडो एक्सप्लोरर होगा, डेस्कटॉप होगा, या फिर नोटपैड होगा, क्या होगा, विच वन ऑफ फाइल मैनेजमेंट टूल्स दैट कम्स विथ विंडोज। तो विंडो के साथ कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल्स आता है आपका, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो बी नंबर होगा राइट आंसर, ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर है इसका, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, विच वन इज ए सर्च इंजिन, तो जिसमें आप लोग सर्च करते हैं उसको सर्च इंजिन बोलते हैं। कोई भी चीज़ आपको ढूंढते हैं यदि इंटरनेट पे तो आप क्या चीज़ ओपन करते हैं, तो गूगल ओपन करते हैं ना, गूगल, तो गूगल क्या होगा, सर्च इंजिन होगा, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, विच वन इज ए सर्च इंजिन, फिर से सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार ऑप्शन जो वो अलग है, क्या होगा इसका, विच वन इज ए सर्च इंजिन। तो जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल जो आपका लाइव टेस्ट होगा तो टेस्ट का जो लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा।
तो सर्च इंजन की यदि बात करें तो सर्च इंजन कौन सा होगा, तो इस बार याहू हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, याहू। तो पहले याहू भी बहुत यूज होता था, अब याहू उतना यूज नहीं होता, अब गूगल जो होता है सबसे ज्यादा गूगल यूज होता है ना, पहले याहू भी यूज होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, बताइए जल्दी से, विच वन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट। तो नोट, इसमें से सोशल नेटवर्किंग साइट जो कौन सा है, ठीक है, विच वन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विच वन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट, आउटलुक एक्सप्रेस, फेसबुक होगा, या फिर आपका लोटस नोट्स होगा, या फिर आप मोजिला होगा, क्या होगा? सोशल नेटवर्किंग साइट, जिस पे सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होता है, जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, बातें करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया है ना, तो फेसबुक क्या होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये सारे क्या हैं आपके, सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। ठीक है, तो हो जाएगा फेसबुक, बिल्कुल सही। तो आज के क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, और इससे आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कल करेंगे, या फिर चलिए यहाँ पे मैं 9 नंबर जो है वो भी मैं आपको करा देता हूँ, देखता हूँ इसके आगे भी क्वेश्चन है क्या, तो नहीं है, चलिए लास्ट ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हो सकेगा तो मैं WCS का आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग लाइव बने रहिए, और थोड़ा देर बाद हम लोग फिर से लाइव आएंगे, उसमें हम लोग WCS के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जिनको भी यहाँ पे WCS का क्लास देखना हो वो लोग थोड़ा देर में लाइव जुड़िएगा। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वेब ब्राउज़र, विच वन इज़ ए वेब ब्राउज़र, तो इसमें से वेब ब्राउज़र जो कौन सा है, वेब ब्राउज़र होगा, वेब ब्राउज़र जिसमें आप लोग क्या करते हैं, ब्राउज करते हैं किसी भी चीज़ को, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है आपका सी नंबर, ये क्या है, वेब ब्राउज़र है, जैसे आपका गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोज़िला है, तो ये सारा क्या आपका वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गूगल क्रोम नहीं दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो ये हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, आंसर कीजिए। विच वन इज़ ए इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को कोई भी चीज़ इनपुट डालते हैं, तो कैसे, जैसे कीबोर्ड हो गया आपका, कीबोर्ड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, है ना, या फिर आप लोग ये सारा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या हो गया, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो कीबोर्ड हो गया, और यहाँ पे जॉयस्टिक इसका राइट आंसर होगा। जॉयस्टिक क्या होता है ना, जब आप लोग गेम खेलते हैं ना तो उसमें जो यूज़ होता है वो जॉयस्टिक होता है। ठीक है, गेम खेलने के लिए जो यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल देते हैं सारा कुछ उससे, पबजी, फ्री फायर, ये सारा चीज़ खेलते हैं कि नहीं, आप लोग सभी खेलते होंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट खेलते होंगे, ज़रा कॉमेंट करके बताइए, देखें कौन कौन यहाँ पर फ्री फायर खेलते हैं, तो मैं भी खेलता हूँ फ्री फायर कभी कभी। ठीक है, पबजी, अच्छा कुलदीप बोल रहे हैं कि पबजी खेलते हैं, सुमित भी पबजी खेलते हैं, चलिए अच्छा, रविंद्र वेलदार जो वो फ्री फायर खेलते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, कभी कभी बीच बीच में खेलना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा आदत मत लगाइएगा उन सब चीज़ों का, है ना, क्योंकि ज़्यादा जो वो बहुत ज़्यादा हानि करेगा यदि आपको आदत लग जाएगा तो। चलिए इसका क्या होगा बताइए, विच वन इज़ ए आपका आउटपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर, तो मैंने बताया आपको प्रिंटर जो होता है क्या होगा, आउटपुट डिवाइस है, ये हमें क्या देता है, आउटपुट देता है, प्रिंट देता है, यानी वो आउटपुट हमें निकलता है ना, प्रिंटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताइए नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज़ ए नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, विच वन इज़ ए नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं, जैसे आपका मेमोरी कार्ड होता है, पेन ड्राइव होता है, तो इस सब में क्या होता है आपका CD होता है, तो उस सब में स्टोर करके हम किसी भी चीज़ को रख सकते हैं, किसी फाइल को, है ना, तो इसमें कहता है कौन सा नहीं है आपका, तो प्रिंटर देखिए, प्रिंटर जो होगा, प्रिंटर में क्या हम लोग कुछ स्टोर करते हैं क्या, नहीं ना, तो प्रिंटर इसका राइट आंसर होगा 44 नंबर का। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लिक करते ही ये ग्रीन हो गया, यानी ये हमारा सही है। ठीक है, और नीचे भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए प्रिंटर, ठीक है, तो जो यहाँ पे डी आंसर कर रहे हैं वो लोग ध्यान देंगे, तो ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, विच वन इज ए डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, बताइए विच वन इज ए डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, बताइए सोशल नेटवर्किंग साइट का डिसएडवांटेज पूछा गया आपको, क्या उसका नुकसान है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, इंस्टेंट कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, तुरंत एक दूसरे से बात हो जाता है, क्या ये डिसएडवांटेज होगा क्या, नहीं होगा, मेक एडिटिव
और दूसरा है आपका क्या, तीसरा है क्या, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर बिजनेस। तो इसका क्या होगा, सी बी नंबर जो होगा, ठीक है, एडिटिव बना देता है। वो क्या करता है आपको कि आपको आदत लगा देता है, लत लगा देता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगा इसका, आपका सही हो जाएगा बी नंबर, देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो बी नंबर ये सही चीज़, वही अभी अभी मैंने आपको क्या बोला कि आप लोग पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, तो आपको क्या होता है धीरे धीरे उसका आदत लग जाता है ना, फिर आप ज़्यादातर टाइम उसी में अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो यही चीज़ जो है उसका लॉस है। या मोबाइल ही देखते हैं, तो मोबाइल में भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो उनको कि आदत सा लग जाता है, वो रात दिन बस ऐसे ही मोबाइल को हाथ में लेके कुछ ना कुछ वो कर, ये चीज़ क्या होता है लत लग जाता है, ठीक है। तो यही लत होता है। पिक्चर क्लियर नहीं है, ब्यूटी सिंह बोल रही है ना, तो इसलिए लत से बचिए, किसी भी चीज़ का लत जो होता है वो सही नहीं होता, ठीक है। अभी हाल ही में कल के डेट में क्या हुआ कि एक लड़का जो है पबजी में जो है वो अपने मम्मी का 10 लाख रुपए जो वो उसमें उड़ा दिया, ठीक है। उसका टॉप लेवल पे जाने के लिए वो जो उसमें फ्री फायर में जो आपका मतलब जो आप लोग देखे होंगे टॉपअप जो है वो 10 लाख रुपए उसमें उड़ा दिया, बताइए, है ना। तो उसके घर वाले जब उसको उनको पता चला कि बैंक से 10 लाख रुपए जो उड़ गया है, कट गया है, तो उनके उसके बाद उसको जब बच्चा को बोला गया तो वो क्या किया, एक लेटर लिखा और लेटर लिख के अपने घर पे डाल दिया, रख दिया लेटर को, और वो घर छोड़ के चला गया, समझे। और कुछ जस्ट 24 घंटा के बाद फिर जो पुलिस उसको ढूंढ के लाया। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, आप लोग बहुत अक्सर सुनते होंगे कि बहुत सारे ने क्या किया, बहुत सारे जो है सुसाइड भी कर लेता है फ्री फायर ये सब पबजी वगैरह के चक्कर में। इसके वजह से कुछ दिन बाद जो पबजी आपका बैन भी हो गया था, लेकिन फिलहाल अभी फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो इस बार क्या किया, पहले चाइना इसको ऑपरेट करता था, इस बार कोई दूसरा कंट्री जो कोरिया, साउथ कोरिया शायद, उसने इसको ख़रीदा है और उसने इंडिया में दूसरे नेम से इसको फिर से यहाँ पे मार्केट में ला दिया है ना। तो यही होता है, तो इससे आप लोग बचिए, खेलिए, पर ज़्यादा आदत मत लगाइए, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को बस यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस थे लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है, 44 नंबर। तो टोटल हमने 44 क्वेश्चन आपको कराया जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बाहर आपका कंप्यूटर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जितना भी मैंने कराया आपको, 45 क्वेश्चन कराया है, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। और यदि आ गया तो आप लोग आके चैनल पर कॉमेंट करके हमको बता दीजिएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल इसको देख के जाइएगा, कंप्यूटर का जो भी क्वेश्चन होगा वो इससे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के क्लास को बस इतना ही रखते हैं, और कल जो हम लोग अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा, इसमें आपका जैसे हम लोग बात करें यदि ईएस का, ईएस में भी बहुत सारे चैप्टर है ना, तो ये तो हो गया आपका किसका, तो आईटी लिटरेसी से रिलेटेड हो गया, मतलब कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हमने करा दिया। अब इसके अलावा जो अदर टॉपिक है आपका, इंग्लिश से भी क्वेश्चंस रहता है और भी अदर टॉपिक है, तो उन सारे टॉपिक को भी एक एक करके मैं एक एक वीडियो में सब कवर करा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को बस यहाँ पे क्लोज करते हैं। यदि इसके अलावा यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से, 5 मिनट के अंदर आप लोग जो यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास को क्लोज करेंगे। हो सकता है कि आज जो आपका WCS का क्लास आज ना हो, इसलिए आप लोग परेशान ना हो, ठीक है, क्योंकि WCS में मैं आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ। यदि पहले के भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा सारा वीडियो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके एग्ज़ाम में। तो WCS का मैंने ऑलरेडी आपको जो है निम्मी के क्वेश्चन बैंक सारा सॉल्व करा दिया, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। तो यदि आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, चैनल पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट पहले से डाला हुआ है, ठीक है। ये जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्लेलिस्ट है, इसमें जितने भी वीडियो है बस आप इसको देखिए, और आपको एग्ज़ाम जो बहुत ही अच्छे नंबर से पास होइएगा, कभी भी आपको फेल नहीं हो पाएगा। यदि आप यहाँ पे चाह के भी आप फेल नहीं कर पाइएगा, यदि आप इसको सारा देख लेते हैं तो, जितना भी वीडियो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा वीडियो भी नहीं है, मात्र 20 वीडियो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में होगा, आधा घंटा का वीडियो है, यानी 10 घंटा आपको लगेगा पूरा देखने में। यदि आप चाह लें तो आराम से इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल पास हो जाइएगा, अच्छा नंबर, पास मत सोचिए, अच्छे नंबर से पास होइएगा। और उसके बाद यहाँ पे WCS का भी टोटल वीडियो अपलोडेड है पहले से, तो आप लोग इसको देखिए, ये नहीं कि लाइव क्लास होगा तो ही देखेंगे, ऐसा नहीं करना, क्योंकि समय आपके पास कम है, तो लाइव क्लास में तो मैं सारा एक दिन में तो नहीं करा पाऊँगा ना, तो यहाँ पर आप सारा इस पहले से अपलोडेड है, देखिए इसको। WCS का भी देख सकते हैं, बहुत सारा क्लास यहाँ पर सारा मैंने करा दिया है, सारा
पे पहले से अपलोडेड है, डिटेल सॉल्यूशन कराया हुआ है और उसके अलावा एक ही वीडियो में यहाँ पे सारा आपको सॉल्व कराया हुआ है, देख सकते हैं 2 घंटा 42 मिनट का ये वीडियो है। यदि इसको आप देखिएगा तो इसमें 247 क्वेश्चन जो मैंने एक ही वीडियो में कराया हुआ है, ठीक है, 247 जो कि आपका निम्मी के क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका, है ना। निम्मी का यदि बात करें फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को केवल 247 क्वेश्चन पढ़ना है और वही यहाँ पे सारा मैंने सॉल्व करा दिया। तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, 15,000 के आसपास इसमें व्यू है, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ट्रेड थ्योरी का भी कुछ वीडियो आपको मिलेगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है कंप्लीट वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। अभी ट्रेड थ्योरी का भी कुछ वीडियो आपको मिलेगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है कंप्लीट वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का देख सकते हैं टोटल 35 वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है और जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपको यहाँ पे लास्ट में मिलेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का यदि आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का सारा वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। अब आइएगा तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्लास है वो आपको यहाँ पे कराया गया है, ठीक है। कैसे एलिप्स बनाना है, पेंटागोन, हेप्टागोन, हेक्सागोन कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, आपको यहाँ पे डायमेंशन बनाने के लिए पूछा जाता है। प्रोजेक्शन जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको पूछता है, थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल, आपका फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का सिम्बॉल बनाने के लिए आता है। तो ये सारे वीडियो पहले से यहाँ पे मैंने डाल दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। जिनको भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रॉब्लम है, जिनका भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आपने लाइव टेस्ट नहीं दिया है तो यहाँ पे देखिए टेस्ट वाला वीडियो अपलोडेड है, इस वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा, कैसे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पता चल जाएगा, ठीक है। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए बस आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। अब कल सभी को हमारे